हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए गैजेट शोडाउन वीडियो में। तो ये मंथली वीडियो होता है जिसमें मैं आपको कुछ अच्छे गैजेट्स सिखाता हूँ। तो पिछले लास्ट वीडियो हमने जो देखा था उसमें हमने कुछ गैजेट्स ऐसे देखे थे जो यूज़फुल थे साथ ही, लेकिन उसमें हमारा मेन मोटिव क्या था कि जो आपको अंडर बजट मिल जाए यानी कि 200 से 250 रुपये के बीच में आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम गैजेट आपको ऑफलाइन हो सकता है 4 गुने कम दाम मिल जाए, लेकिन बात ऑनलाइन की हो रही थी। तो आज हम ऐसे गैजेट देखने वाले हैं जो बेसिकली आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपने बहुत तरह के सीरीज़ तो देखते होंगे और देखे भी होंगे, जैसे कि चीप गैजेट्स होते हैं, यूनिक गैजेट होते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत तरह तरह के होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो चीज़ यूनिक हो या चीप हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो फोकस करेगा बेसिकली ऐसे गैजेट्स पे जो आप डे टू डे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं काफ़ी दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने पहले गैजेट से। तो ये आपका एक USB 2.0 स्प्लिटर है। तो एक तरीके से आप इसको अपने कंप्यूटर में लगाइए, 2.0 या 3.0 जिसमें भी पोर्ट लगाएंगे, आपको 2 एक्स्ट्रा पोर्ट मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ ही आपको फीचर दी जा रही है कि आप इसमें, जैसे आप देख सकते हैं ये आपको स्टैंड टाइप का बना हुआ है, तो अगर आप ऐसे इसमें कोई कप रखते हैं तो ये आपकी कॉफ़ी को थोड़ी देर तक गर्म कर सकता है जितना देर इसको ऑन रखेंगे। तो वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये हॉट होता है, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा एल्युमिनियम शीट से बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने इसको मेजर करके टेस्ट किया है, तो अगर आप विदाउट एयर कंडीशन में इसको टेस्ट करते हैं जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो अगर इसका टेम्परेचर 27 से 26 डिग्री है, तो अगर आप इसको हीटर का फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं, कोई कप रख के आप उसमें अगर आप इसको इस बटन को ऑन ऑफ करते हैं, तो आपका ये टेम्परेचर लगभग 34 से 35 डिग्री पहुंच जाता है, यानी कि 6 से 7 डिग्री का अंतर है। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा अगर आप अपनी कॉफ़ी या टी इस पर रखते हैं, तो हो सकता है वो थोड़े ज़्यादा समय के लिए गर्म रहे। तो वैसे तो अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि वो उसको परमानेंटली गर्म रखेगा, लेकिन ये एक साइड फंक्शनलिटी दी गई है, आप 2 एक्स्ट्रा पोर्ट ही पा सकते हैं, साथ ही आप इसमें अपनी कॉफ़ी या टी को गर्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गैजेट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है रिंके केबल ऑर्गेनाइजर। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी रेयर गैजेट है लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको भी मैं ऑलमोस्ट कई महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये छोटी चीज़ क्या है। तो वैसे तो इसकी बहुत सी यूज़ है, आप इसको, ये एक बेसिकली केबल ऑर्गेनाइजर कहलाती है, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन से केबल, लैपटॉप के चार्जर, कोई भी चार्जर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसलिए आप उसको ऐसे बना सकते हैं कि वो ज़्यादा टेंगल ना हो। ये आपकी छोटी सी यहाँ पे फ्लिप है, प्लास्टिक है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो इसका एडहेसिव बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इसको दीवार पे मत लगाइएगा, हो सकता है वहाँ से छूट जाए। तो या तो टेबल पे लगाइए, या तो आप किसी प्लास्टिक या किसी भी अलमारी पे लगाइए जहाँ ये परमानेंट हो। तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कुछ केबल्स को टांगने के लिए, क्योंकि केबल्स भी ऐसी चीज़ होती हैं जो जनरली आप उसको ज़्यादा मोड़ दें तो ख़राब हो जाती हैं, तो मैं उसको टांग के रखता हूँ। और उसके अलावा मैं इसको अपनी कुछ कीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे रखता हूँ, जो मेरी कार की कीज़ हैं या मेरे इंपॉर्टेंट सूट किट्स के जो कीज़ हैं वो मैं इसको स्टिक करता हूँ। तो अगले गैजेट पर दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं हम। तो आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक गैजेट दिखाया था, तो ये था आपका एक छोटा सा सेल्फी फ्लैश जो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें आपको हेडफोन जैक अप नहीं मिल रहा है। अब चूँकि इसको आपको हेडफोन जैक पे लगाना था, जैसे कि पिक्सल बेस्ट एग्जांपल है, तो उसका सॉल्यूशन दिया गया है। आजकल ये काफ़ी चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं जिसको हम बोलते हैं ये आपके रिंग सेल्फी फ्लैश। तो ये एक तरीके से सेल्फी स्टिक है जो रिंग के फॉर्म में दी गई है, आप इसलिए इसको अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। इसमें आपको 2 AAA बैटरी लगती है। इस 3AA बैटरी लगाने के बाद आपको एक ऑन ऑफ स्विच दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं ऐसे इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो साथ ही आपको ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट देती है। तो एक चूँकि अब ये सेंटर पे काफ़ी आप कह सकते हैं सर्कुलर लाइट दी गई है इसमें, तो ये आपके इस चेहरे पे बराबर लाइट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कुछ आपको मैं शॉर्ट्स कंपैरिजन दिखाता हूँ जो एक विदाउट इसकी सेल्फी रिंग को ऑन करके लिया गया है, आप देख सकते हैं राइट साइड में है, लेफ्ट साइड जो फोटो है वो 3 इसमें कंट्रोल्स हैं, तो 1, 2, 3 में करके इसमें दिया गया है। तो अब इसलिए चेक करके देख सकते हैं कि इसमें लाइट कितनी डिफरेंस है। कंप्लीट लाइट टर्न ऑफ करके अगर सेल्फी लें तो उसमें भी आप देख सकते हैं, आप इसको बैक साइड भी लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। तो आपका कैमरा भी देखिए हाइड नहीं होगा, आप इसलिए लाइट ऑन करके कोई भी ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग जो भी आप करते हैं आप अपने डिजिटल कैमरे पे भी इसको माउंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइट आपको दी जाती है जो कि काफ़ी बेनिफिट है। अगली गैजेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इन पर्सन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप ब्लूटूथ गाय नहीं है यानी कि आप ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन्स नहीं यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये है अभी भी आप हेडफोन्स यूज़ करते होंगे, तो आपने देखा होगा हेडफोन्स जनरली बहुत टेंगल हो जाते हैं। आप उनको बैग में रखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसको आप किस तरह लपेट के रखें। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, अगर आप उल्टे तरीके से रखें तो वो हेडफोन आपके जब जैसे आपको सीधा करते हैं तो थोड़े से खिंच जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है अगर आप संभव किसी तरह उसको सही से रख भी लेते हैं,
अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो आप लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोन से लेके आपके कान के ईयरबड तक, कभी कभी क्या होता है कि केबल काफ़ी लंबी होती है, जो एक्स्ट्रा आपकी बाहर साइड में लटकी रहती है, जो आपके हाथ में फंस सकती है अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन है, आप ये इस तरीके की फिश लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना ऑर्गेनाइज है, अपनी लेंथ आप उसी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत ही स्ट्रांग तो नहीं है कि आप इसने फिट कर दी तो नहीं होगा, थोड़ा सा लूज़ बनाया जाता है ताकि आप इसको इजीली निकाल सकें, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ईजिली ये आपके हेडफोन को छोटा कर सकती है। अपने हिसाब से आप इसको जितना भी लेंथ चाहते हो, आप देखिए यहाँ से आप उसकी लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप फंसा सकते हैं, तो आपका हेडफोन उसी हिसाब से बड़ा या छोटा हो जाता है। दोस्तों अगली चीज़ की बात करते हैं, ये है कोई गैजेट तो नहीं, ना ही कोई टूल है, लेकिन ये बहुत ही पर्सनल हेल्पफुल चीज़ है। तो स्पेशली ये उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो एक से ज़्यादा स्मार्टफोन रखते हैं। तो ये ऐसी मल्टीपर्पज़ बैग है जो काफ़ी पॉकेटेबल है, तो मैं हमेशा अपने बैकपैक में वॉलेट के साथ अपने इसको ज़रूर रखता हूँ। तो वैसे तो आप बहुत कुछ इस पैक के अंदर रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ कैरी करता हूँ, तो शायद आपको उससे आइडिया लग जाए कि आप इसमें और क्या क्या चीज़ रख सकते हैं। तो साइज़ वैसे ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी इजी है, आपके पाम इजीली आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने एक माइक्रोफाइबर टॉवल रखा है, क्योंकि स्मार्टफोन के स्क्रीन में ओलिफोबिक कोटिंग तो होती है, लेकिन फिर भी बहुत से फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। और उसके साथ ही आप एक्स्ट्रा सिम कार्ड रख सकते हैं अगर आप डिफरेंट तरह के फ़ोन्स यूज़ करते हैं, फीचर फ़ोन्स वगैरह जो भी हो गया, तो कन्वर्टर जो भी आप चाहे रख सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं मैं एक छोटा सा कन्वर्टर रखता हूँ, जैसे कि माइक्रो यूएसबी फोन्स भी आते हैं, टाइप सी भी आते हैं, तो बेटर है आप एक अच्छी केबल रखें माइक्रो यूएसबी, उसमें आप टाइप सी कन्वर्टर लगा के इजीली आप सिंगल केबल से काम चला सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी चीज़ होती है कि ईजिली खो सकती है, तो आप इसको आराम से बचा सकते हैं। और आपको कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं साथ में, तो आपको इसमें साथ में एक स्टिकर मिलता है जिसमें आप स्टिकर लगा के रख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपने इसमें रखी है, तो ऑप्शनल है, जा सकते हैं। और मैंने कुछ कॉइन्स भी रखे हैं, आप चाहे तो उसमें और भी कॉइन्स रख सकते हैं ऐसे बैकअप, क्योंकि कॉइन्स अक्सर गिर जाते हैं, तो ऐसे छोटी चीज़ें हैं लेकिन अक्सर काम आ जाती हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिम इजेक्शन टूल, जो ऐसी छोटी चीज़ है जो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है और इसलिए खो भी सकती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही चीप क्वालिटी लग रही, क्योंकि ओरिजिनल सारे कनेक्टर्स खो जाते हैं, तो मैं इसको काफ़ी संभाल रखना चाहता हूँ। और कुछ मैंने मेमोरी कार्ड्स रखे हैं डिजिटल कैमरेज के और डेटा ट्रांसफर करने के लिए, वो भी आप इसमें रख सकते हैं, तो आपकी नीड के हिसाब से। और ऑप्शनली आप इसमें चाहे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी रख सकते हैं, इसको इजिली आप रख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ चाहें इसमें अंदर रख सकते हैं और इसलिए इसको साथ में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट गैजेट की बात करते हैं, ये है आपका एक छोटा सा मोबाइल जॉयस्टिक। तो ये पुराना है, काफ़ी नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई करके दिखाना चाह रहा था कि क्या होता है, भले ही ये वर्थ हो ना हो, तो हम देखते हैं छोटी सी चीज़ क्या है। तो काफ़ी इन्होंने लिख रखा है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो भी है, तो मैंने इन पर्सन इसको यूज़ किया है, तो लगाना तो इसको काफ़ी ईजी है। आप जैसे देख सकते हैं आपको दो छोटे से कंट्रोलर मिलते हैं जिसको आपको स्क्रीन पे स्टिक हो जाते हैं, और आप इसमें दो छोटे से थोड़े से सक्शन कप हैं जो इसलिए आप अपने डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब रही बात, अब चूँकि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल तो जॉयस्टिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी गेम पे इसको यूज़ कर लें, तो डेफिनेटली आप उन गेम पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके कंट्रोलर विजिबल होते हैं। जैसे कि आप सबसे बेस्ट गेम में दिखाऊं एक्सफॉल 8 है, जिसमें राइट साइड से आपके नाइट्रो बूस्टर का कंट्रोल होता है, लेफ्ट साइड आपका ब्रेक होता है, और बाकी चूँकि जो टर्निंग होती है वो आपके फ़ोन के सेंसर से होती है। तो ये बेस्ट गेम है जिसके थ्रू आप इसको लगा सकते हैं, तो बहुत से गेम आप निकाल सकते हैं जैसे हो सकता है, चाहे आप सिंगल जॉयस्टिक यूज़ करें चाहे डबल जॉयस्टिक यूज़ करें, तो वैसे ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा टाइप का टूल है। तो इस गेम के लिए पर्टिकुलर तो हेल्पफुल मिला है, लेकिन बहुत से गेम ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा नेविगेशन करना पड़ सकता है, तो हो सकता है उस गेम पे ये ना चले, तो इस गेम के लिए डेफिनेटली ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी तो नहीं है, थोड़ा सा मोशन इसका और स्लो होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्प्रिंग इसकी देख सकते हैं थोड़ी सी टाइट है, तो और ज़्यादा इसको अगर ये ढीला होता तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको यूज़ कर सकते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा गैजेट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैंक गैजेट्स की। तो फिलहाल ये आपने इस गैजेट के बारे में देखा होगा, सुना भी होगा, तो मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ क्या है। तो मुझे शायद जो रिसीव हुआ है वो डेड है, वंस यू पुल दैट थिंग ओ मैन इट हैज इट इज सो यू नो सो स्ट्रांग, आई रियली डोंट नो, इट वॉज नॉट वर्किंग बट इट सडनली स्टार्ट वर्किंग, सो दिस इज हाउ इट शुड गिव यू सम बिट ऑफ अ स्पार्क, यू कैन गेट थिंग ऑनलाइन एंड दिस इज अगेन समथिंग कूल, सो इट इज सो सो स्ट्रांग कम्पेयर टू दैट अर्ली वन। हो सकता है इसकी बैटरी डाउन हो गई हो, कि छोटी सी बैटरी है, तो आपके सामने ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो इसमें छोटी सी आप देख सकते हैं, ये दिखने में तो च्युइंगम जैसी है, और सिल्वर प्लेट भी अगर उसको हम निकालते हैं
तो ये काम नहीं कर रही है, मतलब इसमें बैटरी इसकी डेड हो चुकी है, शायद यही रीज़न है इसके ना काम करने का। तो इसके अंदर आप देखेंगे अगर इसको टियर डाउन करते हैं तो एक प्लास्टिक का केस है, शेल है, अंदर आपको तीन छोटी बैटरीज मिलती हैं जो कि स्टैंडर्ड होती हैं, आपने देखा होगा डिजिटल घड़ी में लगती थी पहले स्टार्टिंग में। और आपको साथ ही एक कैपेसिटर दिया जा रहा है, अगर कैपेसिटर आप जानते हो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 12th में, तो ये आपका एक्स्ट्रा जो होती है एम्पियर होती है उसको स्टोर करके रखता है और उसको थोड़ा सा आउटपुट बढ़ा भी सकता है। तो उसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो ये आपका देख सकते हैं वैसा ही एक है, एक टूल है जिसमें आपको सामने ये भी शायद डाउन हो गया है, तो इनके सेल हल्का सा देखिए इसमें स्पार्क है, तो जैसे आप इसको पकड़ के टच करते हैं इसको तो हल्का सा स्पार्क लगता है। सो ऐसी कुछ चीज़ होती है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा लेकिन ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, मुझे कैमरा कंपेरिजन में इसको फोटो खींचनी पड़ती है तो इसको मैं ब्रेकडाउन नहीं करूँगा। दोस्तों ये था इस पार्ट का गैजेट शोडाउन, तो स्टे ट्यून, मई में हम कुछ नए गैजेट देखेंगे, देखता हूँ मैं किस तरह के गैजेट लेके आता हूँ, शायद अंडर 500 या जो भी है, आप मुझे कमेंट बता सकते हैं आपको किस तरह के गैजेट देखना पसंद है, मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, स्टे ट्यून, हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।